श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर मैं आपको एक अचूक और रामबाण उपाय बताऊंगा, जो कि एकादशी के दिन किया जाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन मात्र एक चुटकी का ये उपाय आपकी किस्मत को संवार देगा। दोस्तों, अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चलता है, या आपका कोई भी कारोबार नहीं है, या फिर आपकी नौकरी नहीं है, तो दोस्तों आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक चुटकी हल्दी आपकी किस्मत को संवार देगी। दोस्तों, गुरुदेव ने जो उपाय बताया है, इस उपाय को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही अगर आप भगवान शिव को सच्चे दिल से मानते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा जल्दी पूरी हो। तो देखिए दोस्तों, एक चुटकी हल्दी का उपाय जो गुरुदेव ने बताया, उस उपाय को हम काफ़ी अच्छे से आपको समझाते हैं। तो चलिए, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इस उपाय को आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों, चुटकी भर हल्दी की क्या कीमत होती है। दोस्तों देखिए, चुटकी भर हल्दी माता लक्ष्मी को काफ़ी प्रिय है, साथ ही भगवान विष्णु को भी काफ़ी प्रिय है। चुटकी भर हल्दी हमारे देवी देवताओं के लिए काफ़ी शुभ मानी गई है। तो आप रोया ना हो सके तो चुटकी भर हल्दी का अपने सर पर तिलक करें, साथ ही आप नहाने के पानी में डेली चुटकी भर हल्दी मिलाकर नहाएं। दोस्तों, ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अब बात करते हैं गुरुदेव द्वारा बताया गया जो उपाय है। विशेषकर इस उपाय को करने से हर इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। वो चाहे नौकरी, व्यवसाय या कारोबार से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, हर जगह से खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको देखिए करना क्या है, आपको एक तांबे का लोटा लेना है, ठीक है। इस लोटे में आपको अपने घर का सादा जल भरना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको इसमें चुटकी भर हल्दी डाल देनी है, और इसमें आपको डालना है थोड़ा सा गुड़, ठीक है। दोनों चीज़ें डालकर आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। गुड़ और हल्दी को आपको पानी में घोल लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने घर में जो आपका तुलसी का पौधा है, उस तुलसी के पौधे में आप इस पानी को आराम आराम से चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। आप जो 11 बार कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। दोस्तों देखिए, इस उपाय को आपको सिर्फ एकादशी के दिन ही करना है। हर महीने 2 या 3 बार एकादशी आती है, आप कोई सी भी एकादशी में कर सकते हैं। एकादशी में तुलसी माता की पूजा करने से भी काफ़ी अच्छा फल मिलता है, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, साथ ही 33 कोटि देवी देवता हमारे वो भी हमसे प्रसन्न होते हैं। अगर आप हल्दी के इस एक उपाय को कर लेते हैं, तो आपकी किस्मत में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे उपाय की, जो गुरुदेव ने बताया। दोस्तों, इस उपाय को भी आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, कोई से भी सोमवार में आप इस उपाय को कर सकते हैं, जो मैं अब आपको दूसरे उपाय के बारे में बताने आ रहा हूँ। देखिए, इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको जो अपने घर से एक लोटा सादा जल लेना है, साथ ही आपको एक बेलपत्री लेनी है और एक धतूरा लेना है। धतूरा बेलपत्री आपको मनचत्ता मिल जाएगी, आप देखेंगे आपके आसपास ही आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। सोमवार के दिन बेलपत्री और धतूरा चढ़ाने का काफ़ी महत्व है, लेकिन दोस्तों अगर आप साथ में हल्दी का उपाय कर लेते हैं, तो इससे आपकी जो भी मनोकामना है, वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। अगर आपका कोई ऐसा काम है जो अटका हुआ है काफ़ी सालों से, काफ़ी पुराने समय से पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको ये वाला उपाय भी जरूर करना चाहिए। किसी भी सोमवार में आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको एक लोटा जल, एक पत्ता बेलपत्र का, साथ ही एक धतूरा आपको लेना है। तीनों चीज़ों को लेकर आपको अपने घर के किसी भी शिवलिंग पर आपको जो है इन चीज़ों को अर्पित करना है। तो देखिए, अर्पित आपको किस तरीके से करना है, आपको सबसे पहले तो एक थाल लेना है जो कि साफ़ सुथरा और अच्छा थाल हो। उस थाल में आपको अपने घर के शिवलिंग को रख लेना है। आपको मुंह करके बैठना पूरब की तरफ, ठीक है, दक्षिण दिशा में होना चाहिए शिवलिंग का मुंह। अब आपको बैठ के सबसे पहले अपने घर के शिवलिंग के ऊपर आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है। अब आप कहोगे कि आपके घर में एक छोटा सा शिवलिंग है, तो उस पर बेलपत्र कैसे रखेगा। तो दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूँ, आपको बेलपत्र को ऊपर टच करना है और शिवलिंग के सामने रख देना है, लेकिन बेलपत्र की जो डंडी का भाग है वो आपकी तरफ होना चाहिए, और जो पत्ते का भाग है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इसी तरीके से आपको फिर उसके बाद में जो आपने धतूरा लिया है, वो धतूरा भी आपको शिवलिंग के ऊपर टच करना है और आपको थाली में रख लेना है। अब आपको जो आपने एक लोटा जल लिया है, उस जल को दोस्तों सबसे पहले आप धतूरे और बेलपत्र के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा चढ़ा दें, और फिर उसके बाद में आप शिवलिंग के ऊपर पूरा जो जल आराम आराम से चढ़ा दें। जल आपको ऐसे चढ़ाना है कि जल जो आपके पैरों पर छींटा ना पड़े,
और आपको साथ में श्री शिवाय नमोस्तभ्यम मंत्र का जप करना है। जितना हो सके उतनी देर तक आप, जब तक आप जल चढ़ाएं तब तक आपको श्री शिवाय नमोस्तभ्यम मंत्र का जप करना है, या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपने एक बेलपत्र और धतूरा लिया था, उस धतूरे के ऊपर और बेलपत्र के ऊपर आपको थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल देनी है, और फिर आपको आधे घंटे तक उन सारी चीज़ों को ऐसे ही रखा हुआ छोड़ दें। उसके बाद में आप क्या करें कि आपने जो धतूरा बेलपत्र लिया था उसे हटाकर आप अपने घर में किसी भी लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के तिजोरी या फिर गले में रख दें, और जो पानी है शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ है थाली में, उस पानी को आप अपने घर के पेड़ पौधों में डाल दें और शिव जी को अपने मंदिर में रख दें। दोस्तों, इस उपाय को करने से भी आपकी जो भी मनोकामना है वो शिव जी एक या फिर दो सोमवार तक पूरी कर ही देते हैं। आप इस उपाय को भी जरूर करके देखें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ ऐसे ही नई नई वीडियो, नई नई जानकारी मिलती रहें।